हेलो एवरीवन आप लोगों का इंफॉर्मेशन दुनिया में स्वागत है और हम पढ़ा रहे थे एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो इसके अंदर हमने पहले इंट्रोडक्शन की बता दिया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बता दिए हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग करवा दी हमने अब रेस्प रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ करवा दी है अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसको कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस एक्सचेंज गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है भाई ब्लड और लंग्स के बीच में गैसेज एक्सचेंज होती है जिसको हमने कहा था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है ये और फिर जब हमारी गैसेस ऑफ एक्सचेंज ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज होती है तो उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी इंस्पायरेशन कहते हैं आप सबसे पहली बात एक्सचेंज ऑफ गैसेज देखते हैं भाई यार एक टेबल है हमारे एनसीआर में भी दिया हुआ है पर हमने इसको थोड़ा अपने वे में लिखा है इसके अंदर पहला है कि यार रेस्परेटरी गैसेज हैं हमारे पास रेस्परेटरी गैसेज गैसे दो ही होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयरिक प्रेशर में एयर में कितनी वॉल्यूम होगी इसकी एलविली uh, में कितना होगा प्रेजेंट पी एम एम इसमें ब्लड में कितना होगा ब्लड यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दो हमारा एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ में कैसे होगा तो सबसे पहली बात ये ऑक्सीजन की बात करते हैं जो एटमोस्फेरिक प्रेशर में जो ऑक्सीजन है वो 159 फिफ्टी में प्रेजेंट होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.3 परसेंट प्रेजेंट होती है यानी जीरो प्रेजेंट होती है एटमासफेरिक प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड एल्यूविली होती है एलविली में क्या होता है एलविली में जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो 104 हंड्रेड फोर एम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 40 एम एम एच होता है फिर हमारा ऑक्सीजन देखते हैं कि हम डी ब्लड में देखते हैं तो डी ब्लड में जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो फोटी होता है ऑक्सीजन है फोर्टी एम एम और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है फोटी फाइव एम एम ब्लड में हमारा जो ऑक्सीजन होता है यानी ब्लड में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें जो होता है हमारा 95 फाइव एम एम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 40 एम एम होता है टीश्यू में हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो 40 एम एम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में 45 फाइव एम होता है यानी कि जो हमारा डी ब्लड है और टिश्यू है इसमें जो कम कंपोजिशन होती है यानी मात्रा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वो दोनों सेम है यानी कि ऑक्सीजन 40 40 दोनों में प्रेजेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड फोटी फोर्टी फाइव दोनों में होती है और जो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड में होता है ऑक्सीजन नाइन्टी होता है और फोटी होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जब हम एयर एक्सपायर करते हैं बाहर रिलीज़ करते हैं उसमें बहुत ये पूछते हैं एनजाइटी में है ये पूछते हैं कि जो ऑक्सीजन एक्सपायर करते हैं तो वन हंड्रेड सिक्सटीन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है थर्टी टू एम ऑक्सीजन कितना होता है एक्सपारेटरी एक्सपायरेटरी एरिया में वन हंड्रेड सिक्सटीन और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है थर्टी टू एम अब दो तीन एक्सेप्शन है हमारा पता है कि पल जो आर्टरी होती है वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम करती है जो जिसमें ऑक्सीजन होता है कोई भी मतलब वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होती उसको कैरी करने का काम होता है पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मनरी आर्टरी होती है वो डी ब्लड कैरी करती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्रेजेंट होता है और जो हमारी पलमनरी वीन्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है पर वैसे जो वीन्स है उसका काम क्या है कि वो डी ब्लड कैरी करेंगी पर यहाँ पे इनका प्रोसेस रिवर्स हो जाता है पलमनरी आर्टरी डी ब्लड कैरी करती है पलमनी पलमनरी वीन्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है